नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे दो ऐसे मुद्दों पर जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूकंप आना तय है। पहले नंबर पर बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर की। आप ओम प्रकाश राजभर को अच्छे तरीके से जानते होंगे, वही ओम प्रकाश राजभर जिनको आजकल सोशल मीडिया पर पीयर का चाचा, पीयर का मेढक तमाम प्रकार की संज्ञा दी जाती है। और वह इसलिए दी जाती है कि उनको ऐसा नेता बताया जाता है कि उनका सुबह कहीं और शाम कहीं और होता है। तो एक बार फिर खबर आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर अपने पार्टी का गठबंधन बीजेपी से तोड़ करके कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब किस लिए जाने के लिए तैयार हैं और इतना बड़ा कदम वो क्यों उठा रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। आज योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे हुए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा से मिलने, और वह जब लखनऊ वापस आएंगे तो उनके कैबिनेट का विस्तार होगा। और चर्चा ये चल रही है कि इस कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर को जगह नहीं दी जाएगी, क्योंकि जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे तो आप सब लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोल रहे थे। और ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोल रहे थे बल्कि अमित शाह और मोदी को भी चोर डकैत बोल रहे थे, झूठा बता रहे थे। मोदी को बोल रहे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मोदी है, और योगी के ऊपर कटाक्ष करते हुए बोल रहे थे कि चुनाव के बाद योगी को मंदिर में घंटा बजाने के लिए गोरखपुर भेज दिया जाएगा। ये सब जो बयान उनका है, वो सब बयान आज के डेट तक भी बीजेपी के नेता और बीजेपी भूल नहीं पाई है। इसी लिए जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ गठबंधन किए तो उनके सामने एक शर्त रख दी गई। शर्त ये रखी गई कि घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान को आप जिता कर लाइए, उसके बाद आपको मंत्री बनाया जाएगा। और आप सबको याद होगा कि जैसे ही उनसे समाजवादी पार्टी से उन्होंने गठबंधन तोड़ा और घोसी उपचुनाव में उतरे तो वह सीधे सीधे अखिलेश यादव से टक्कर लेना शुरू कर दिए। और जिस प्रकार से बदतमीजी द्वारा वो बयान देते हैं नेताओं के ऊपर, वैसे ही बदतमीजी अखिलेश यादव के ऊपर करने लगे। और घोसी में जा करके उन्होंने दावा ठोकने का काम किया कि घोसी उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव को सैफई भेज दिया जाएगा और सैफई तक ही उनको सीमित कर दिया जाएगा। लेकिन आप सबको पता होगा कि घोसी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी, दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर तीनों की इतनी बुरी तरीके से हार हुई कि एक हफ्ता तक तीनों का बयान किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं आया था। और तब से ही ये आवाज उठने लगी थी बीजेपी में कि ओम प्रकाश राजभर को अब मंत्री नहीं बनाया जाएगा। और वो कारण साफ था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद नहीं चाहते हैं कि ओम प्रकाश को फिर से मंत्री बनाया जाए। यहाँ तक कि ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ बीजेपी पार्टी में फिर से मतलब गठबंधन करने के खिलाफ थे, लेकिन जो दिल्ली का नेतृत्व था उनके दबाव के सामने योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा। लेकिन जैसे ही घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार होती है, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को मौका मिल जाता है और वही मौका आज भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे बीजेपी को धमकी दे डाली है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में हमारी मेजोरिटी के लोग, हमारी इतनी मतलब लोग हैं कि 10 ऐसा लोकसभा है उत्तर प्रदेश का जहां पर आपको हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। यानी सीधे सीधे अब ओम प्रकाश राजभर धमकी पर उतर गए हैं कि यदि हमको मंत्री नहीं बनाया गया बीजेपी सरकार में तो हमारे लोग बीजेपी को कम से कम 10 लोकसभा सीटों पर हरा भी सकते हैं और जिता भी सकते हैं। और सूत्रों का ये भी कहना है कि ओम प्रकाश राजभर कांग्रेस के संपर्क में है और वह जल्द ही बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर का न उनके बात का पहलू है न उनका खुद पहलू है। वह शाम को कहीं और रहेंगे तो सुबह कहीं और हो जाएंगे। ऐसे नेता आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से जनता का भला करते होंगे। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल लखनऊ में अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक मीटिंग की। उसमें उन्होंने साफ साफ अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बोल दिया कि उत्तर प्रदेश के 80 के 80 लोकसभा पर तैयारी करो, यदि गठबंधन होता भी है तो भी कम से कम 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, यदि गठबंधन नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश के 80 की 80 लोकसभा सीट पर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी। अभी इस दावे से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहीं न कहीं इंडिया अलायंस में बेचैनी बढ़ना तय है, और खास करके इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पर अटैक कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अटैक कर रहे हैं, और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने धोखा दिया, कहीं न कहीं लोग दबी जुबाएं बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से उसी का बदला ले रही है। तो आप सोच सकते हैं कि 80 लोकसभा सीट में से 65 पर समाजवादी पार्टी ने दावा कर दिया है, केवल 15 सीट अपने गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ने
और तैयार है समाजवादी पार्टी। ये दोनों खबर आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं न कहीं भूकंप लाने वाली है। पहली, ओम प्रकाश राजभर का कांग्रेस के साथ गठबंधन करना, और दूसरा, 80 लोकसभा सीट में से 65 पर समाजवादी पार्टी का दावा। ये दोनों खबर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को जरूर गर्म करेगी। आप क्या सोचते हैं ओम प्रकाश राजभर के बारे में कि जिस प्रकार से वह पहले समाजवादी पार्टी में जाते हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ करके बीजेपी में जाते हैं, और बीजेपी से भी अब गठबंधन तोड़ करके कांग्रेस पार्टी में जाने की फिराक में है, और उत्तर प्रदेश की 80 में से 65 लोकसभा चुनाव सीट पर समाजवादी पार्टी जो चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है, इसे क्या इंडिया अलायंस पर कोई फर्क पड़ेगा, या इंडिया अलायंस बिखर जाएगा, या एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा? जो भी आपको समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।